में एज गैप कंट्रोवर्सी। मोना सिंह बोली, फिल्म में मैं लाल सिंह की मां बनी हूं, आमिर खान की नहीं। आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो गई है या फिल्म रिलीज के पहले से ही कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। इसमें एक आरोप है कि आमिर से छोटी मोना सिंह ने उनकी मां का किरदार निभाया है। इस पर रिएक्ट करते हुए मोना ने कहा कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस के लिए जो सराहना मिली है मैं उससे बहुत खुश हूँ। बता दें मोना और आमिर की उम्र के बीच 17 साल का गैप है। वहीं दिल्ली में फिल्म को लेकर शिकायत दर्ज हुई है और FIR की मांग हो गई है। मैं लाल की मां हूं। दिए गए एक इंटरव्यू में मोना अपने रोल के बारे में बात करते हुए कहा, मैं पहले उम्र के अंतर की बहस पर बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग फिल्म देखें। फिल्म में मैं लाल सिंह की मां बनी हूं, ना कि आमिर खान की। इसके साथ मोना ने कहा, लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की बायोपिक नहीं है जिसमें मैं 40 की और वह 57 साल की हूँ। अगर ऐसा हुआ तो गलत होगा। मैं पहले ही बेफिक्र थी और मुझे अब भी यह गलत लगता है कि लोग फिल्म देखने के बाद मेरी एज गैप पर सवाल नहीं उठाएंगे। सेना के अपमान का आरोप। लाल सिंह चड्ढा लीगल फिल्म को लेकर दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से आमिर खान पैरामाउंट पिक्चर्स और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वकील का आरोप है कि आमिर ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा से भारतीय सेना का अपमान और हिंदू समाज की भावनाएं आ। वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस से की अपनी शिकायत में कहा कि फिल्म में आपत्तिजनक सीन है। ऐसे में आमिर खान पैरामाउंट पिक्चर्स और फिल्म डायरेक्टर अजय चंदन के खिलाफ ITC की धारा 153A, 298 और 505 के तहत FIR दर्ज कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट ITC।